सायरा, नैन मैं यहाँ हूँ। अरे क्या तुम किचन में घुसी रहती हो यार? जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम्हें तो हर वक्त मेरे पास होना चाहिए। अगर मैं आपके पास रहूंगी तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अच्छा, क्या मुझसे ज्यादा पसंद है ये काम? अरे आप ही के लिए तो बना रही हूँ। और वैसे भी एक अच्छी बीवी को अपने शोहर के खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बोरिंग क्या, तुमने पुरानी सासों वाली बातें शुरू कर दी हैं यार। लग रहा है पत्नी कितना अरसा हो गया हमारी शादी को। वैसे हमारी शादी को काफी अरसा हो गया है नैन, लेकिन मुझे तो हर रोज एक नई नवेली दुल्हन चाहिए। अच्छा, तो फिर आपको हर रोज शादी करनी चाहिए। तुमसे तो मैं साल में 365 शादियां करने के लिए तैयार हूँ। चले सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि आप इतने तैयार क्यों होके आए? अच्छा लग रहा हूँ ना? क्योंकि हम डिनर पे जा रहे हैं बाहर। लेकिन खाना तैयार है नैन। अरे तो रात को देर से भी भूख लगती ना, तब खा लेंगे। से आपकी आदतें बहुत बिगड़ गई। बिगड़ने में भी अपना ही मजा है दुल्हन। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर हो, चूल्हा है ये, गर्म है। अच्छा हाँ। वैसे ये बिगड़ने में कैसा मजा होता है? वो ऐसे कि फिर तुम रोकती हो, टोकती हो, अपनी अपनी सी लगती। और फिर ये वाली हंसी अगर मेरे घर में हमेशा इसी तरह गूंजती रहे तो फिर बिगड़ना कोई बुरा तो नहीं। आप तो पहले बड़ी सीधी सीधी बातें करते, ये नैन का नया अंदाज कैसे? इस अंदाज को कहते हैं दिल लुभाना। और तुम्हें मालूम है उन बीवियों को क्या कहते हैं जो मियाँ की बात सुनती नहीं और वक्त पर तैयार होती नहीं? उन्हें कहते हैं सुस्त और काहिल। ना मैं सुस्त हूँ ना मैं काहिल हूँ, और ये सारा खाना जल जाएगा नैन। अच्छा तो फिर प्रूफ करो, जल्दी से आकर तैयार हो। यू हैव 5 मिनट्स। 10 मिनट में तैयार हो गया? 10 मिनट? 8 मिनट कर लो। 10? अच्छा चलो, ना तुम्हारी ना मेरी, 7 मिनट कर लो।